in every Atom. Oh Hidden Life vibrant in every Atom. Oh Hidden light, shining in every creature. Oh Hidden light, shining in every creature. Oh Hidden Love embracing all in oneness. Oh Hidden Love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, no, दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का शनिवार शाम शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में स्वागत है आज हमारे बीच ब्रदर शिव कुमार पांडे जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मौजूद हैं और अपने पिछले शनिवार के टॉक राम का वैराग्य और कि कार्य किया था और सन दो हजार दस में पोस्ट मास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे बंधु पांडे जी उन्नीस सौ पिचासी में सोसाइटी के मेंबर बने थे और तब से वह सोसाइटी के माध्यम से सेवारत हैं शिव कुमार पांडे जी इंडियन सेक्शन के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के यूपी वेस्ट रीजन के सेक्रेटरी भी हैं और थियोसॉफिकल सर्किल में हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्म पद पत्र के संपादक भी बंद कुमार पांडे जी अब मैं अधिक समय न लेते हुए बंधु पांडे जी को अनुरोध करूंगा कि पिछले शनिवार के अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम के वैराग्य और योग की नमस्कार की बंधुओं भाई और बहनों आप सभी का स्वागत है आज के इस मीटिंग में पिछले सत्र मीटिंग में हम लोगों ने राम का वैराग्य और राम के जो जिज्ञासाएं थी जो प्रश्न उन्होंने किए थे वशिष्ठ से उनका उत्तर उन्होंने जो दिया था ये एक बहुत बड़ी किताब है जैसा कि हमने आपसे बताया कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और अपने आप में अगर कहें तो एक तरह से पूर्ण ग्रंथ है ये कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है और आपके हृदय में कोई जिज्ञासा उठती है तो आप अगर इसमें ढूंढेंगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा सबका जवाब है यहाँ पर लेकिन जैसा कि इस पुस्तक का एक बहुत बड़ा ये भी वो है कथन कि कोई भी ज्ञान पढ़ करके या किसी अन्य से सुन करके नहीं प्राप्त किया जा सकता और वो इसे भावित ज्ञान नहीं कहते वो अनुभव जन्य ज्ञान को ही ज्ञान बताते हैं इसलिए वशिष्ठ ने कहा कि जो अपने जीवन में जो अनुभव पर होता है हमारे वो ज्ञान हमारे काम का होता है और हमारे लिए होता है लेकिन फिर भी ये पुस्तकें पढ़ने के लिए अनुशंसा की जाती है और थियोसोफी में हम अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं और लेकिन फायदा क्या है इसका लाभ क्या है तो हम पाते हैं कि दैनिक जीवन में हमारी जो साधना क्रम है उसमें बहुत सारे हमारे भीतर चेंजेस आते चलते हैं बहुत सारी हमारी समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। तो जब हम इन पुस्तकों के माध्यम से जाते हैं और किताबों का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत से समाधान मिलते हैं उसमें और बहुत सी बातें ऐसी इसमें मिलती हैं तो लगता है जैसे ये हमारी बात हो अपनी बात हो तो वो अनुभव हमारा उसकी पुष्टि होती है ये बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ी भूमिका है ग्रंथों की हमारे जीवन में तो आज हम आगे चलते हैं योग वाशिष्ट के अध्ययन पर और अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप देखेंगे कि इसकी शिक्षाएँ गीता से और हमारे थियोसल साहित्य से बहुत मिलता जुलता है तो आप सोचिए कि, कि करीब 2000 वर्ष पहले या डेढ़ हजार वर्ष पहले जब भी का ये ग्रंथ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रंथ था और किसी सिद्ध पुरुष का ही लिखा होगा किसी महात्मा ने ही लिखा होगा इसे तो हमारा टॉपिक है सब टॉपिक है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सुख का मूल स्रोत ये बातें बार बार रिपीट होती हैं थियोसॉफी में भी और हमारी मीटिंगों में और हम लोग चर्चा करते रहते हैं तो इनका बार बार रिपीट करने का बार बार दोहराने का लाभ क्या होता है कई बातें होती हैं हम लगता है कि जैसे बस अब इसके बाद हम संकल्प लेते हैं और यही करेंगे और इस संकल्प से हटेंगे नहीं लेकिन होता क्या है संसार में रहते रहते कई बार कई बार क्या प्राय ऐसा होता है कि हम अपने संकल्प को भूल जाते हैं और वापस उसी सांसारिक दुनिया में लौट जाते हैं उन्हीं सेंसेशंस में फिर आनंद लेने लगते हैं तो ये ये जो तथ्य हैं जो बातें हैं ये हमको फिर आगाह करती हैं फिर चेतावनी देती हैं और फिर हम तुरंत सजग होते हैं और वापस अपने मार्ग पर लौटाते हैं तो बार बार का अध्ययन बार बार का पठन बार बार का रिपीटेशन ये हमारे लिए बड़ा सहायक होता है इसीलिए हमें सुनना भी चाहिए पढ़ना भी चाहिए तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के लिए ये वशिष्ठ जी कहते हैं सभी जीव जंतु सुख के लिए संघर्ष करते हैं योग वाशिष्ट कहता है ऐसा आप देखें कि छोटा से छोटा जीव छोटा से छोटा जीव अगर हम बैठे हो एक चींटी जा रही है नीचे चल रही है अगर उसको जरा सा भी छेड़ दीजिए तो अपने जीवन के लिए वो प्रयास करने लगती है संघर्ष करने लगती है और अपने मार्ग से अगर इधर उधर भटकती है तो फिर अपने वापस रास्ते पे जाती है अपने लिए वो जो करती रहती है उसको भी अपने जीवन से प्रेम होता है और अपने को बचाना चाहती है और इसीलिए इसी तरह हर जीव जंतु जो है वो सुख के लिए संघर्ष करता रहता है लेकिन बाकी जीव जंतु जितने हैं वो प्रकृति से गाइडेड हैं निर्देशित हैं उनसे तो वो प्रकृति की शक्तियों के हिसाब से जिन्हें हम इंस्टिंक्टुअल भी कह देते हैं वो उसके उसके आधार पर उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं पर यहाँ चूंकि राम का वैराग्य से जुड़ा हुआ है प्रश्न राम का है जिज्ञासा राम की है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी जीव संघर्ष तो करते हैं पर हम हम मनुष्य गलत स्थान पर तलाश करते हैं सुख को गलत स्थान पर तलाश करते हैं क्या गलत स्थान है इस ब्रह्म में संसारी समृद्धि हमें सुख प्रदान करेगी जो संसार की समृद्धि है ये सुख प्रदान करेगी ऐसा करके हम सुख तलाश करते हैं तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी कहते हैं कि गलत स्थान पर तलाश करते हैं कोई भी संसारी समृद्धि या संसारी पदार्थ हमें सुख नहीं प्रदान कर सकता संसारी सुखों एवं समृद्धि में पीड़ा के बीज छिपे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बीज छिपे हुए हैं ये हमारे समझने की बात है हम सबके कि ये बीज कहाँ छिपा हुआ है बस वही बात आत्मचिंतन ये बताता है कि सांसारिक उपलब्धि असार साबित होती है असार माने फ्रूटलेस आती है हमारे जीवन में और थोड़े दिनों उपरांत थोड़े क्षण के उपरांत वो हमारे लिए फिर बेकार हो जाती है हमारा रस खत्म हो जाता है उसमें और हम उसमें जो है फिर वो हमें कष्ट भी देने लगती है बहुत सारी बातें तो बीज छिपा हुआ है पीड़ा का बीज भी संसारी सुखों में छिपा हुआ है अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारी समृद्धि पाकर भी हम अतृप्त रह जाते हैं हमारा जब आकलन करने बैठते हैं और विचार करने बैठते हैं कि हमने बहुत कुछ अर्जित किया बहुत कुछ कमाया बहुत बड़ी संपत्ति साम्राज्य खड़ा किया और एक दिन ये भी आता है कि ये सब साम्राज्य हमारे लिए फीके पड़ गए हैं और हम अतृप्त रह जाते हैं सब कुछ बटोर करके भी तो संसार की वस्तुएं न सुख देने वाली हैं और न दुख देने वाली हैं न स्वीकारे जाने योग्य हैं ना अस्वीकार्य जाने योग्य है अस्वीकार भी नहीं कर सकते हम हमें स्वीकार भी करना है और ये हमारा मन है जो ऐसी प्रतीत कराता रहता है संसार की वस्तुएं तो अब देखिए कि अगर हम अस्वीकार करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं तो हमें उसे स्वीकार करना है पिछले मीटिंग में हमने कहा भी है तेन तक्तेन भुञ्जीथा माग्रधा कष्टस्य निधनं तो हमें तट भाव से भाव से जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे आशीर्वाद परमात्मा का आशीर्वाद अपने प्रारब्ध का आशीर्वाद मान करके स्वीकार करें आशीर्वाद दोनों चीजों के लिए दुख आया है वो भी सुख आया वो भी दोनों को मान करके हम स्वीकार करें एक ही वस्तु किसी को सुखी किसी को दुखी किसी को अप्रभावित छोड़ देती है आप देखिए कि और क्या है एक ही वस्तु भिन्न भिन्न समय में किसी को तीनों तरह के अनुभव दे सकती है आप एक ही व्यक्ति है एक ही स्थान है कभी वो हमें सुख देता है कभी हमें दुख देता है तो ये उसमें जो है को भी अस्थायित्व अस्थायित्व जो है कहीं नहीं है वस्तु के भीतर व्यक्ति के भीतर इसीलिए ये सब कुछ अस्थिर है इच्छित वस्तु की प्राप्ति पर सुख अनिच्छित की प्राप्ति पर दुख का अनुभव होता है यानी राग और द्वेष जो है वो हमारे जीवन में सुख और दुख देके जाते हैं इच्छा या अनिच्छा का होना सुख दुख का कारण है यदि इच्छा का पूर्ण अंत हो जाए तो अपूर्व आनंद की अनुभूति हो सकती है जिसे सांसारिक वस्तु से जुड़कर नहीं प्राप्त किया जा सकता इच्छा का पूर्ण अंत हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम है ये और इसीलिए जो मार्ग प्रकाशनी है लाइट ऑन दी पाथ है उसमें भी इसका जिक्र आया हुआ है कि सारी इच्छाओं को इच्छाओं से रहित हो जाओ तो बड़ा मुश्किल पड़ता है क्यों क्योंकि जो हमारे लोअर बॉडीज है जो लोअर जो शरीर है जो नीचे का क्वारनरी है जिसमें कि हमारा भौतिक है और एस्ट्रल है लोअर मेंटल है ये सारी चीजें जब तक हमारे साथ जुड़ी है और जब तक वो हम पर अपना राज्य करती हैं हमारे ऊपर हावी रहती हैं तब तक इच्छा विहीन होना एक बड़ा कठिन कार्य है लेकिन चूंकि हम सब लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हमने अनेक जन्मों में ये प्रयास किया होगा और आज भी कर रहे हैं कि हम उन चीजों की इच्छाएं न करके लोअर लेवल की हायर लेवल की तरफ उठे और मन ही है हमारे बीच में बैठा हुआ जो ब्रिज का काम करता है दोनों दिशाओं में वही हमको ले जाने वाला है इसलिए हमारी अपनी इच्छा हमारा अपना संकल्प पर निर्भर करता है कि हम कहाँ जाए किस तरफ जाए इच्छा होने का किसी साम्राज्य पर राज करने के सुख से भी बड़ा होता है इच्छा विहीन होना यानी कि दाई विल बी डन तुम्हारी इच्छा पूरी होगी हे परमात्मा हे आत्मा हे गुरु जो कुछ भी है हमारे जीवन में जो हमारे लिए इष्ट है उसकी इच्छा पूरी हो यानी दैवी इच्छा पूरी हो हमारी लोअर जो शरीर है जो बॉडीज है उनकी नहीं बाकी जो हायर लेवल है हायर बॉडीज है उनकी इच्छा पूरी हो प्रिय के कह रहे कि इच्छा विहीन होने का सुख प्रिय के सानिध्य के स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है यही सुख परम सत्य में अंतर्निहित है और यही हमारा स्वरूप है बहुत अच्छी तरह थियोसॉफिकल साहित्य में हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर हैं जो उन लोगों ने बहुत गहरे से अध्ययन कर रखा है मुझे इस बात का वो है और इसीलिए इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन थियोसॉफिकल साहित्य से अच्छा, साहित अच्छा बॉडीज का कि हमारी जो ये सातों प्रिंसिपल्स हैं उसका जितना वर्णन जितना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे साहित्य में मिलता है उतना अन्यत्र कहीं भी किसी भी संप्रदाय में नहीं है परम ही अखंड आनंद का आलय है घर है वो वही स्रोत है परम अनुभव हम कर पाते हैं जब हमारा मन शांत और क्रियाहीन होता है कई बार ये प्रश्न लोगों के सामने आता है और आपसे भी पूछा होगा हमसे भी लोग पूछते हैं लेकिन कि क्या जब हम ध्यान में जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए उस परम का अनुभव हमें हो पाता है जो आनंद हमारे क्षण भर में उतरता है जीवन में ध्यान के अवसर पर क्या ये वही परम है देखिए ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है ने इसका जो आंसर है वो बड़ा कठिन है देना है ये स्वयं अनुभूत अपने प्रयोग करने की बात है क्योंकि जब हम लोअर मेंटल से ऊपर की दिशा में बढ़ने लगते हैं हायर मेंटल में जाते हैं तो वहाँ भी आनंद है जब हम फिफ्थ सिक्स प्रिंसिपल में यानी कि बुद्धि के स्तर को टच करते हैं वहाँ भी आनंद है और जब हम आत्मा के स्तर को टच करते हैं तो शांति है वहाँ पर आनंद का स्तर यहीं तक है तो बुद्धि के लेवल तक जो बुद्धि है बुद्धि शरीर है वहां तक तो है उसके ऊपर फिर परम शांति है जो परम चेतना है जो आत्मा का स्वरूप है क्योंकि वो वैश्विक आत्मा है वैश्विक स्वरूप है उसका इसलिए वहां परम शांति है क्या होता है यदि मनुष्य दुखों से पीड़ित नहीं होता और सदा संतुष्ट रहता क्या होता अगर ऐसा होता तो ये हमारे अनुभव पर है कि अगर हम इसको प्रयोग करें हम स्वयं जाए ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करें तो देखें कि हमारे अनुभव क्या क्या हमारे लिए लेकर के आते हैं परम सत्य की खोज शायद मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होने के लिए करता है क्या होता यदि परम सत्य स्वयं इच्छा और आनंद से मुक्त होता तो हमें कैसा अनुभव होता शायद ये वैसे ही होता जैसे कोई खजाना कहीं पड़ा हो और हम उसका उपयोग नहीं कर सकते ये बहुत बड़ी बात है हमको लगता है कि जिस किसी भी ने ये प्रश्न उठाया राम ने उठाया अगर वैराग्य का तो उन्होंने देखा कि शरीर बचपन में युवा अवस्था में और वृद्धा अवस्था में उन्होंने देखा कुछ भी अस्थायी नहीं है भगवान बुद्ध ने इन्हीं अवस्थाओं को देखा मृत्यु को देखा जर्जर जर शरीर को देखा बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने लगा क्या है इससे कैसे निवृत्त हुआ जा सकता है तो ये कैसे लिबरेट हो इन सब चीजों से तो फिर मनुष्य कोशिश करता है प्रयास करता है साधना करता है ध्यान करता है गुरु का सहारा लेता है और वो धीरे धीरे करके इन सब से मुक्त हो करके उस खजाने की खोज करता है और वो जो परम आनंद जहाँ पर है उस लेवल तक जाने की उसकी इच्छा आकांक्षा पैदा होती है उसके अंदर क्योंकि वो अगर क्षण भर भी क्षण भर के भी अंश में अगर उसने वो महसूस कर लिया है ध्यान की अवस्था में तो दुनिया के सारे सुख उसके सामने फीके पड़ जाते हैं और यही कारण है कि जब एक बार व्यक्ति ध्यान के उस एक आनंद को क्षण भर के लिए भी पाता है तो संसार के सुखों के प्रति उसका विमुख हो जाता है उससे और उसकी तरफ से उसका ध्यान हटने लगता है और उसमें उसका रस खत्म होने लगता है इंद्रियातीत होने लगता है तो ये बातें हमारे अपने अनुभव की है हम उस तरफ जा सकते हैं कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हैं किसी भी अवस्था में है युवावस्था में है और वृद्धावस्था में है जैसे भी है इसीलिए बहुत सुंदर है का कि सहज हमारा जो राजयोग है जब ध्यान करें तो हम नहीं बैठ सकते पालथी मारकर कुर्सी पर बैठें कैसे भी बैठें एक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान का अभ्यास करते चलें दूसरा सब टॉपिक है बॉन्डेज एंड लिबरेशन बंधन और मुक्ति जैसा कि मैंने बताया था कि ये सभी समस्याओं पर समाधान देती है ये पुस्तक तो अगला जो हमारा सब टॉपिक है बॉन्डेज एंड लिबरेशन इस प्रकार करुणा के सागर में रहते हुए भी हम सुख प्राप्त के लिए सांसारिक वस्त्रों पर आश्रित है यही हमारा बंधन है यही हमारी समस्या है कहते तो है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं और वो परमात्मा करुणा का सागर है और वो करुणा का सागर हमारे ही अंदर लहरा रहा है फिर भी हम सांसारिक वस्तुओं पर आश्रित है यही हमारा बंधन है यही हमारी समस्या है इसी समस्या से मनुष्य जूझता है पहले तो इसी में जीता है यही उसकी जिंदगी है और जैसे ही उसका एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उसे ये निस्सार लगने लगती हैं सारी वस्तुएं और उसे ये अनुभव पर आता है कि ये सबकी सब ट्रांजिटरी फेज में है ये जाने वाली हैं वैसे ही उसके मन में दूसरी तरह की जिज्ञासाएं पैदा होने लगती हैं ये बंधन भौतिक है मानसिक है और भावनात्मक स्तर पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है ये सब तरह के बंधन है इस पर आप विचार करें इसकी व्याख्या करें इसकी एनालिसिस करें तो आप पाएंगे हर तरह के बंधन हमारे साथ इमोशनल भी है मेंटल भी है और आदर्श से इंटेलेक्ट से जुड़े हुए तमाम है बहुत सारे हमारे अपने आदर्शों के बंधन है हमने पाल रखे हैं मानसिक बंधन है रिजर्वेशंस हैं तो बहुत सारे मेंटल रिजर्वेशन है इमोशनल बातें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं यद्यपि हम परम सत्य के साथ सदैव एक हैं परंतु विकास के वर्तमान सोपान में हम ऐसा नहीं समझते यद्यपि हम परम सत्य के साथ सदैव एक हैं लेकिन हम जो कह रहे हैं कि जो वर्तमान यानी कि सीढ़ी है इस समय विकास में जो चौथे राउंड में जहाँ पर हम हैं इस पृथ्वी की उसमें चेन में तो हम अपने आप को अभी ऐसा नहीं समझ पाते कि हम उसके साथ एक हैं जानते तो हैं पर महसूस करने में हमें दिक्कत होगी और ये भी कहते हैं कि जब अगला युग आएगा सतयुग आएगा आगे भी ऐसा महसूस होगा कई जगह पर यह आता है वर्णन कि हम जैसे जैसे हमारा राउंड जैसे लॉर्ड बुद्धा को सिक्स्थ राउंडर कहा जाता है यानी कि जो इस राउंड में ही वो पीछे के राउंड में वो छठे राउंड का विकास कर गए थे तो इस तरह से ये भी कोई भी व्यक्ति चाह कर आगे जा सकता है और हम अगर सामान्य रूप से चलते चलेंगे तो जाकर के पांचवे राउंड में छठे राउंड में सातवें राउंड में इस तरह हमारी चेतना की जो व्यापकता है वो बढ़ती चली जाएगी हम असीम और सर्वशक्तिमान के साथ एक होते हुए भी स्वयं को सीमित और निर्बल समझते हैं सर्वशक्तिमान के साथ रहकर कितनी बड़ी बड़ी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें ये जो योग वासिष्ठ हमारे सामने रख रहा है कि हम असीम और सर्वशक्तिमान के साथ एक होते हुए भी कितना सीमित अपने आप को और निर्बल समझते हैं हालांकि हमारा अस्तित्व स्वयं करुणा है फिर भी हम इसे या उसे पाने की इच्छा करते हैं इस गलत धारणा के साथ कि यह सुख लाएगी सब कुछ मुझमें है और मैं सब में हूँ फिर भी मेरी रुचियाँ इसमें या उसमें सीमित हैं दूसरे में हम विशेष वस्तु या विशेष क्रिया से जुड़े रहना चाहते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार करना चाहते हैं या फिर मुक्त होना चाहते हैं या तो राग है या तो द्वेष है या हम जुड़ना चाहते हैं और या फिर मुक्त होना चाहते हैं और खासकर जो हमारे मन की स्थिति है वो हमेशा स्टेटस को में रहना चाहता है अपने यथा स्थित को बनाए रखना चाहता है अपने घरेलू सुख को यहाँ तक कि हम जिस शैया पर सोते हैं जहाँ लेटते हैं जो आराम वहाँ महसूस करते हैं उससे भी बड़ा आराम अगर कहीं दूसरी जगह पर मिलता है तो उसे भी लेने में स्वीकार नहीं करता है तो कंडीशन माइंड है ये तो ये उसमें बना रहना चाहता है अपनी यथास्तित्व को बदलना ही चाहता है सभी रूप असत्य है फिर भी हम उन्हें सत्य समझते हैं इनसे मुक्ति का नाम मोक्ष है सभी रूप असत्य है मोक्ष हमारी चेतना का हमारे मूल अस्तित्व से एकाकार होने का चैतन्य अनुभव है लॉस ऑफ द टोटल लिमिटेशन मोक्ष हमारी चेतना का हमारे मूल अस्तित्व से एकाकार होने का चैतन्य अनुभव कॉन्शियस एक्सपीरियंस है यानी कि हम जाने अनुभव के लेवल पर जाने कि जो मूल अस्तित्व है हमारा उससे हम एक है हमारे मन या व्यक्तित्व का पूर्ण क्षरण है कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ माइंड एंड पर्सनैलिटी ये पूर्व ये ये पूर्ण उपेक्षा और इच्छा विहीनता की स्थिति है इन अपनी चेतना में संसार भाव जो वर्लिनेस है तथा तो अविद्या का अंत है यानी कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है इंडिविजुअल उसमें अज्ञान का और सांसारिकता का पूर्ण अभाव हो जाए तो मोक्ष है तो मोक्ष का यह अनुभव जीवित अवस्था में अभी और यहाँ है क्योंकि तो हम परम सत्य से हर पल एक है मरने के उपरांत हमारे भारतवर्ष में एक धारणा है और हम अक्सर प्राय ये लिखते हैं कि हमारे फला जब किसी किसी की डेथ होती है तो हम उसे मोक्ष प्राप्त लिखते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया यानी मृत्यु के बाद मोक्ष मिल गया तो ये एक मिथ्या धारणा है और जो कि हमारे जनमानस में फैली हुई है भारतवर्ष में बहुत फैली हुई क्योंकि मोक्ष की धारणा यहीं पर है तो ये मोक्ष की धारणा कि मरने के उपरांत मोक्ष प्राप्त होगा ये एक मिथ्या है और ये थियोसॉफी भी, भी इसको कहती है और यहाँ योग वाशिष्ट भी यही कह रहा है कि मोक्ष जो है यही है और अभी है इसी जीवित अवस्था में है क्योंकि परम सत्य से एक होने का जो अनुभव है और जो डिसोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी है और जो हमारी चेतना से वर्लिनेस और अविद्या का खत्म होने का भाव है वो हम जीवते जी ही अनुभव कर पाएंगे मरने के उपरांत तो जैसे थे वैसे ही चले जाएंगे वहां तो मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है योग प्र, मोक्ष प्राप्ति के उपाय, उपायशन कहता है कि आत्मज्ञान के सिवाय मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है क्योंकि बंधन का कारण इस सत्य का ज्ञान न होना है कि हम यहां और अभी वो परम ही है हम यहां और अभी वो परम ही है सत्य का ज्ञान न होना इसका देखिए वेदांत का भाव आ रहा है अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म अंतत्व असी अयम आत्मा ब्रह्म चार महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म तो प्रज्ञान की बात यहां नहीं हो रही है यानी कि हम प्रज्ञा ही हैं मूल स्रोत में मूल रूप में प्रज्ञा है स्वयं ब्रह्म है स्वयं तो आप देखिए यहाँ पर वो बात लाई जा रही है कि सत्य इस सत्य का ज्ञान न होना कि हम यहाँ और अभी वो परम ही है जंगल में जाकर रहने से तपस्या करने से किसी क्रिया या वस्तु को छोड़ने से किसी अनुशासनिक व्यवस्था में जाने से तीर्थ यात्रा पर जाने से पवित्र नदियों में स्नान से योग से त्याग से भाग्य से कर्तव्यपूर्ण पालन से समृद्धि से किसी मित्र से शास्त्र से गुरु से देव पूजा से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अब कृष्ण मूर्ति जी को ध्यान करें एक बार उनकी शिक्षाओं का तो आप देखें कि ऐसे लगेगा कि जैसे सब उनकी बातें हो रही हैं लेकिन वो तो बहुत बाद के हैं और जैसा कि कहा जाता है कि वो लॉर्ड मैत्रे के शब्द उनके मुंह से निश्रित होते थे तो ये ये बातें देखिए कितनी बहुत बड़ी बात है कि किसी तपस्या जंगल में जाने से तपस्या करने से किसी विशेष क्रिया से किसी वस्तु को छोड़ देने से किसी अनुशासनिक व्यवस्था में चले जाने से यानी कि जितना सब कुछ कहा गया वो सब मन के रेल के अंदर है मन के क्षेत्र के अंदर है एंड मोक्ष जो है माइंड से परे ट्रांसडेंशन ट्रांसीडेंटल स्टेज है यानी बियॉन्ड माइंड जाने की स्टेज है तो आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है ये कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान है वो मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान तो मैडम ब्लाउस की भी यही कहती है कि जो सेल्फ की नॉलेज है ज्ञान है वही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है और इस आत्मज्ञान में कुछ लोग समझते हैं कि महात्मा का ज्ञान प्राप्त करें तो वो नहीं है मैडम ब्लाउस की ये नहीं कह रही है मैडम राउस की कहती है कि शुरू करें अपने भौतिक शरीर से उसका ज्ञान प्राप्त करें बायोलॉजिकल नहीं उसके जो ऑकल्ट लेवल के जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें एस्टल का प्राप्त करें मेंटल का प्राप्त स्टेज बाय स्टेज सीढ़ी दर सीढ़ी हमें जाना होगा ऊपर और इस तरह से क्योंकि आत्मा मानी हमारी उससे जुड़े हुए हैं और क्यों महत्वपूर्ण है ये शरीर इसलिए कि ये हमारा वहकिल है जो मनुष्य है जो आत्मा है उसके सारे के सारे ये वहकिल है इन्हीं के माध्यम से वो काम करता है तो ये महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए इस सबका ज्ञान प्राप्त करना औकल विद्या का उद्देश्य है ध्येय है तो इस बात का ज्ञान कि ब्रह्म ही अकेला सत्य है प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है ब्रह्म ही हमारा आत्म स्वरूप है यही सही ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अकल्ट विद्या के रास्ते हमें ऊपर चढ़ना होगा गहराई में जाना होगा सही ज्ञान लेकर दूसरा कोई अन्य मेरे घर नहीं आ सकता इसके लिए स्वयं के मन का शुद्धिकरण आवश्यक है पात्र को शुद्ध करना होगा अगर पात्र हमारा एक एक महात्मा की कथा थी मुझे बहुत अच्छी लगती और मुझे बहुत उसको प्रभावित भी करती है उन्होंने कहा यदि कमंडल में यदि हमने पात्र में गोबर भर रखा है और कहीं जाते हैं भिक्षा के लिए और कोई हमें खीर ला करके के दे देता है तो उस खीर का क्या महत्व है वो उसके साथ रह करके वो भी सड़ जाएगी तो गोबर को निकालना है गंदगी को बाहर निकालना है एलिमिनेशन करना है इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना है यही राजयोग है और मन को जितना शुद्ध करते जाएंगे उतना ही अगर खीर कहीं होगी शुद्ध रूप में चेतना के रूप में तो वो हमारे भीतर मन के भीतर उतरती चली जाएगी पर पात्र को शुद्ध करना पड़ेगा पात्र को खाली करना पड़ेगा चाहे जिस लेवल पर हम हो बिना खाली किए कुछ नहीं होने वाला है तो सही ज्ञान लेकर दूसरा कोई अन्य मेरे घर नहीं आ सकता बहुत बड़ी बात है इसके लिए स्वयं के मनुष्य का मन का शुद्धिकरण आवश्यक है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग दार्शनिक तथ्यों का अध्ययन गुणों को धारण करने का प्रयास इन सब से मन प्रभावित होता है जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया इसके पहले कोई भी शास्त्र हमें आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं करा सकते जब तक अनुभव जन्य ज्ञान न प्राप्त हो जाए शास्त्र एवं महात्माओं के शब्द उस परम ज्ञान की ओर संकेत मात्र है ये बात अभी हम चर्चा में कर चुके हैं कि सब संकेत देते हैं और अगर हमें किसी ने मार्ग बताया है कि आप इस रास्ते जाएंगे हमको वहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे तो रास्ते में ये लैंड मार्क पड़ेगा तो जब हम उस रास्ते जाते हैं कुछ दूर चल करके वो लैंड मार्क हमें मिलता है तो हम पाते हैं प्रसन्न होते हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं उसी तरह से ये साहित्य जो है उसी तरह से गुरु हमारे हमें संकेत देता है इन सब चीजों से शिक्षाओं से हमें संकेत मिलता है भक्ति मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं है यहां पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और हम इसको चर्चा की कोई बात नहीं है कोई अन्य किसी को मोक्ष का आशीर्वाद नहीं दे सकता यहाँ इस बात को ये एलोबोरेट कर रहे हैं कि अक्सर भक्ति में हम अपेक्षा करने लगते हैं कि कोई इष्ट कोई देवता कोई गुरु हमको अपने कंधों पर बिठा करके नदी पार वो, वो पार करा देगा वैतरणी ये सब उस पार ले जाएगा ये सब बातें योग वाशिष्ठ कहता है कि सब निरर्थक बातें हैं इनमें कोई तथ्य नहीं इसके लिए सुपात्रता प्राप्त करना आवश्यक है यानी स्वयं को सुपात्र बनाना पर चाहिए मेरे शुद्ध मन के अतिरिक्त कोई दूसरा उसका दर्शन नहीं कर सकता अगर हमारा मन शुद्ध है तभी हम उसका दर्शन या उसका अनुभूति कर पाएंगे किसी देव या ईश्वर की भक्ति द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते वो चाहे जितना शक्तिशाली हो बहुत स्टेटमेंट जितने कथन है यहाँ पर बड़े ही स्ट्रांग है बड़े ही मार्वलस है और बिना किसी आडंबर के हैं बिना किसी लाग लपेट के हैं ये बात बहुत अच्छी है और मुझे आशा है कि आपको भी ये प्रभावित करेगी किसी देव या ईश्वर की भक्ति द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते वो चाहे जितना शक्तिशाली हो हम स्वयं अपने मित्र या शत्रु हैं कोई दूसरा हमारी रक्षा नहीं कर सकता आप देखिए इस पर बहुत लंबा डिबेट भी हो सकता है हम चर्चा में भी जा सकते हैं तो जब हम मित्र होते हैं मैडम लाउस्की ने प्रैक्टिकल में एक जगह कहा है कि जो प्रेम जो है हमारा रक्षक है प्रेम प्रेम हमारा रक्षक है और प्रेम उन दैवी शक्तियों को आकर्षित करता है जो हमारे इस भौतिक शरीर के चारों तरफ एक किला बना देती हैं जिसके भीतर कोई दूसरी आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती ये बड़ी सुंदर बात है तो ये हमें देखना है कि हमारी रक्षा हमें लगता है कि बाहर से कोई हो सकता है करे आकर के पर ऐसा होता नहीं है जब हमारी तरंगे हमें रक्षा करना चाहती हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा साधन आता है माध्यम जरूर बनता है लेकिन उसका स्रोत हम ही होते हैं अपनी रक्षा का भी अपनी शत्रुता का भी अपनी मित्रता का भी यदि हमने अपने प्रयासों से वैराग्य और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया है तो संसार का कोई अन्य हमें मोक्ष नहीं दिला सकता तो ये रास्ते हैं मार्ग हैं, विष्णु चाहे जितना प्रसन्न हो जाए आत्मज्ञान की वर्षा नहीं कर सकते अब देखिए यहाँ पर हो सकता है जो हमारे भारतवर्ष के जनमानस में जो धारणा है विष्णु का जो स्वरूप है वो थियोसॉफिकल आस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ बात नहीं है और जो हम एक हाथ पहने वाले एक मानवीकरण करके हम जिस ईश्वर की बात करते हैं तो वो यहाँ पर वही बात है कि वो चाहे जितना हो जाए आत्मज्ञान की वर्षा नहीं कर सकते यदि कोई गुरु या शिक्षक किसी व्यक्ति को मोक्ष दिला सकता है तो वो ऊंट हाथी या बैल को भी मोक्ष क्यों नहीं दिला देता ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है सभी में परमात्मा का अंश है चाहे कोई जानवर हो जीव जंतु हो कुछ भी हो तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वो अगर ऐसा हो सकता तो मोक्ष नीचे ही मिल जाता यहाँ मनुष्य तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती शरीर से बढ़कर संसार में दूसरा कोई मंदिर नहीं है उसे भीतर ही ढूंढो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु सूर्य शिव के रूप में यही विराजमान है ये एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट लोगोस की बात कर रहे हैं हमारे ईश्वर की बात कर रहे हैं जो हमारे थियोसॉफिकल साहित्य में है अपना मंदिर छोड़कर दूसरे देवों के पास जाने का अर्थ है हीरा छोड़कर कांच के पीछे भागना अपना मंदिर छोड़कर दूसरे देवों के पास जाने का अर्थ है हीरा छोड़कर कांच के पीछे भागना बहुत प्रहार है ये पूजा पाठ चंचल मन अज्ञानियों के लिए है जो अविकसित लोग हैं जो विकास के निचले पायदान पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये चंचल मन वालों के लिए है अज्ञानियों के लिए है जो ज्ञानी जन है जो विकसित हो गए हैं हर पल ईश्वर की अनुभूति अपने दैनंदिन कार्यों में भी करते रहते हैं यानी कि जो कार्य करें ईश्वर को समर्पित करते हुए गुरु को समर्पित करते हुए सब उन्हीं का है इसलिए हर कार्य में हर चिंतन में उनकी अनुभूति समस्त कर्म एवं उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पित समर्पित करता है यही वास्तविक पूजा है कोई भी धार्मिक नैतिक अथवा सांसारिक क्रिया के त्याग को मोक्ष प्राप्ति से जोड़ा नहीं जा सकता इसका कोई संबंध नहीं है क्रिया का त्याग नहीं किया जा सकता वो कहते हैं संसार में रह रहे हैं हम तो क्रिया का त्याग नहीं कर सकते व्यक्ति जब तक जीवित है वो सोच रहा है वो सोचता है जीता है जी रहा है वो कार्य कर रहा है वो कार्य करता रहेगा जीवन ही एक क्रिया है विचार क्रिया है व्यक्तित्व क्रिया है इसलिए क्रियाकलाप का त्याग संभव नहीं है और मोक्ष के लिए आवश्यक भी नहीं है तो क्रिया को मूल स्रोत क्रिया को मूल स्रोत इच्छा क्रिया का मूल स्रोत इच्छा या अभिलाषा है और इच्छा का त्याग किया जाना चाहिए इच्छा का त्याग होना चाहिए क्रिया का त्याग हम नहीं कर सकते क्योंकि क्रिया कई तरह से होती है दैवी चेतना के निर्देश पर भी और लोअर लेवल के जो बॉडी की चेतना है उसके लेवल पर भी इच्छा है व्यस्त घरेलू जीवन आत्मानुभूत के मार्ग में कोई बाधा नहीं है इसलिए बेसेंट ने बहुत सही कहा है कि जो अध्यात्म है वो अपने घर से ही शुरू होता है परिवार से ही शुरू होता है यहीं से शुरू होता है सीखना शुरू करते हैं जिसका मन शांत नहीं उसके जंगल में भी रहने से कोई लाभ नहीं तो मन साथ जाएगा यहाँ बड़ी एक छोटी सी घटना याद आती है एक महात्मा जी थे बहुत समृद्ध संपत्ति वाले थे उनको पता नहीं क्या कुछ मन में आया वैराग्य हो गया उन्होंने अपने धारी सारी धन संपत्ति और सब छोड़ दी त्याग दिया उसको त्याग करके वो महात्मा बन गए प्रवचन करते चारों तरफ घूमते और जब भी प्रवचन करते तो ये बात जरूर बताते कि मेरे पास ये था इतना वैभव था इतना धन थी इतनी संपत्ति मैंने सबका त्याग कर दिया तो उस प्रवचन में लगातार महात्मा जी कई दिनों से बोल रहे थे तो एक युवक उठा तो महात्मा जी ने उसने कहा कि महात्मा जी आप भौतिक रूप से त्याग करके तो आए हैं लेकिन हमें लग रहा है कि अभी मानसिक रूप से आप त्याग नहीं कर पाए हैं तो आप उसका भी त्याग करिए तो ये भी बात सही है कि जंगल में भी चले जाएंगे तो कोई लाभ नहीं है मन साथ जाएगा चंचलता साथ जाएगी असंतुष्टि साथ जाएगी दुख साथ जाएगा इसलिए जंगल में भी जाने से मोक्ष नहीं प्राप्त होगा फिर दूसरा टॉपिक है प्रैक्टिकल सेल्फ रियलाइजेशन भावी भावित आत्मानुभूति यानी जो अनुभव पर उतरती है जो लोग ज्ञान को आत्मसंतुष्टि धन नाम प्रतिष्ठा आदि अर्जित करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वह ज्ञान को बेचने वाले लोग हैं ज्ञान को प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं आज संसार में चारों तरफ हो रहा है हम देख सकते हैं हमें सिर्फ जानना ही नहीं होना भी है टू बी एंड टू फील अनुभव करना है होना नहीं होना भी है तो सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा जब अनुभव पर उतरेगा तभी हमारा जीवन उसी से आगे निर्देशित होगा परम को जानने के लिए परम में विस्तार करना होगा सो so, गेटिंग एंट्री इन टू द सत्य को जानने के लिए सत्य में विस्तार जो योग से ही संभव है और यहाँ वो कह रहे हैं कि योग दो सोपानों में है व्यक्तित्व का निषेध डिनायल ऑफ इंडिविजुअलिटी ये हमारे जो आध्यात्मिक साहित्य है उसमें निषेध की परंपरा मिलती है नित्य नित्य की सीमितता और अपरिपूर्णता का निषेध क्योंकि हम असीम हैं और दूसरा है आत्म स्वरूप की सतत स्मृति सती एफर्मेशन सतत चिंतन करने एफर्मेशन ऑफ दि सेल्फ जो महाआत्मा है जो परम आत्मा है उसका चिंतन बार बार चिंतन करना जो परिपूर्णता एवं सार्वभौमिकता है परफेक्शन है और यूनिवर्सलिटी है तो इसका चिंतन करते रहना सती सजगता में बने रहना सती माने ये बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया है स्मृति में बनाए रखना हमारा व्यक्तित्व तो सिर्फ बुद्धि नहीं भावना और क्रिया भी है वैसे ही हमारा आत्म स्वरूप सिर्फ परम चेतना ही नहीं परम शांति और परम आनंद भी है एब्सुलट रेस्ट एंड एब्सुलूट ब्लिस आत्मानु आत्मानुभूति तीन प्रकार से हो सकती है और कहता है कि ये जो आत्मानुभूति है ये तीन प्रकार से हो सकती है पहला है इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन ऑफ नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल बट इनफाइनाइट एब्सुलूट बौद्धिक धारणा कि मैं व्यक्ति नहीं एक पूर्ण अनंत हूं इस बात का चिंतन करते रहना निगेशन ऑफ डिजायर्स अटैचमेंट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स निगेशन ऑफ डिजायर्स इच्छा लिप्सा पसंद नापसंद वस्तुओं की उपलब्धता की कल्पना अधिकार की भावना व्यक्ति होने का एहसास आदि भावनात्मक प्रकृति के सभी स्वरूपों का निषेध यानी कि जो इमोशंस हैं हमारे उसमें कई भी तरह के स्वरूप हैं जैसे आप इमोशंस को जानते हैं उसमें भय भी है उसमें घृणा भी है उसमें द्वेष भी है और उसमें बहुत सारी अनेक बातें हैं लालसाएं हैं कामनाएं हैं इन सब का निषेध करते रहना सतत जागरूक रहना सकारात्मक वृत्तियों जैसे समता सार बंधुत्व एकत्व तो का एहसास आत्म स्वरूप के प्रति प्रेम या आनंद आदि को धारण करने का भाव बनाए रखना तो आप देखें कि ये दोनों बातें जो ऊपर हमने कही यहाँ पर ये जो कथन है तो मैडम ब्लाउस्की का जो डायग्राम है मेडिटेशन का तो आप देखें कि कितना मिलता जुलता डायग्राम है उसमें वो एक तरफ कहती है कि अपनी चेतना का विस्तार करिए और अनुभव करिए तो जो सार्वभौम बंधुत्व है जो एकत्व का एहसास है आत्म स्वरूप के प्रति प्रेम है सभी जीवों के प्रति एकता है सभी जीवों के प्रति सम्मान है उसको धारण करना यानी कि उसके प्रति सजग बने रहना और जितनी भी वाइसेज है हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं हमारे मन में उन सबको बाहर निकालना उन सबके प्रति सजग रहना और एक बात बड़ी कभी कभी मन में उठती है लोग पूछते भी हैं कि ये जो देख तो लिया मैंने कि हमारे अंदर डर है तो कैसे निकाले घृणा है तो कैसे निकाले तो प्रकृति का एक बहुत शानदार नियम है बहुत ये संगीता जैसे एक नियम है कि जब आप वस्तु को देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं किसी भी गुण को ऑब्जर्व करेंगे बढ़ जाएगा और किसी भी दुर्गुण को अगर ऑब्जर्व करेंगे कमी को ऑब्जर्व करेंगे तो चली जाएगी लड़ेंगे नहीं अगर उससे संघर्ष करेंगे तो जीतना बहुत कठिन हो जाता है टू पे अटेंशन वेन एनी थिंग पेड अटेंशन इज ट्रांसफॉर्म्ड जब भी किसी व्यक्ति को वस्तु को स्थिति को अटेंशन पे किया जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है परिवर्तित हो जाती है तो अटेंशन पे करना है इन सब चीजों को प्रैक्टिस ऑफ स्टॉपिंग दर्पिचुअल एक्टिविटी ऑफ लाइफ मैनिफेस्टिंग इट सेल्फ इन टू कॉन्स्टेंट राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ वाइटल ब्रेथ आती जाती दो सांसों के बीच समय को स्थिर करने का अभ्यास बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल श्वास की क्रिया के मध्य ये क्षणिक अवकाश है चेतना में स्थिरता की अनुभूति का दोतक है हालांकि हमारे यहाँ थियोसॉफी में ये जो प्रयास है जो कुंभक है जो बीच का अंतराल है इसको बढ़ाने की हमारे ही है लेकिन फिर भी हम उस बीच के अंतराल को देख सकते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है खाली पन दिखता है अवकाश है वहाँ पर क्षण भर का अवकाश है वहाँ चेतना में स्थिरता है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हम ध्यान की करते हैं तो अपने आप आता जला जाता है बलात् करके ध्यान को हम प्रयास करके इस दिशा में न ले जाए अच्छा है हमारे लिए ये अवस्था है जब चेतना के क्षेत्र में पूर्व विचार समाप्त हो जाते हैं और नए पैदा नहीं होते योग वासिष्ट के अनुसार ये आत्मा आत्मानुभूत की प्रायोगिक विधि है यहाँ प्रैक्टिकल बात भी योग वाशिष्ट कर रहा है कि हम आराम से धीरे धीरे अपने सांसों के ऊपर अपना ध्यान स्थिर करें अपना ध्यान स्थिर माने अपने सांस आ रही है जा रही है तो उस पर अपना ध्यान बनाए रखें सिर्फ आने जाने पर बनाए रखें न उसे बड़ा करें न उसे छोटा करें ये एक ध्यान का प्रकार है और इसे बौद्ध में धर्म में आना पान कहा जाता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं इस दिशा में तो हमारी सांस की जो गति है वो छोटी होती चली जाती है और हमारा जो सांसों के आने जाने का अंतराल है उसके बीच का जो स्थान है जो स्पेस है जो अवकाश है बढ़ता चला जाता है बिना हमारे प्रयास किए हुए तो ये एक अनुभव करने की स्थिति है जो आप हम में से बहुत से लोगों को होगा भी और कर भी सकते हैं फिर कहते हैं सेवन स्टेजेज ऑन पाथ ऑफ रियलाइजेशन सात अवस्थाएं हैं रियलाइजेशन के पाथ पर मार्ग पर यद्यपि आत्मस्वरूप और परम सत्य दोनों समान हैं फिर भी आत्मानुभूति एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कुछ कुछ समय से लेकर कई जन्मों तक व्यक्ति की आकांक्षा की तीव्रता और उसके प्रयासों के निष्ठा के अनुरूप विस्तीर्ण होती है ये बात थोड़ी देर पहले कही भगवान बुद्ध छठे राउंडर थे यानी कि हमारी आकांक्षा की तीव्रता पर यह निर्भर करता है कि हम उन्नति कितनी तीव्रता से आगे विकास कर सकते हैं तो ये अकेला मनुष्य को भी को ही ये सुविधा प्राप्त है और आगे वो बढ़ सकता है अपने को पीछे छोड़ सकता है कहीं भी ले जा सकता है ये उसका संकल्प पर निर्भर करता है इस मार्ग पर क्रमिक उन्नति के कई स्तर हो सकते हैं परंतु वशिष्ठ जी ने उन्हें सात भागों में विभक्त किया है ये अलग दृष्टिकोण से हम देखें इसको पहला है शुभेक्षा जब व्यक्ति अपने पापों के प्रति सजग हो जाता है और उसे रूपांतरित करना चाहता है पहली स्टेज है जब उसे पता लग गया कि हम पाप कर रहे हैं और वरना संसार में सामान्य रूप से वो जीता रहता है उसी तरह से जैसे सामान्य व्यक्ति जीता है उसे एहसास नहीं होता है अनुभव नहीं करता कि हम पाप भी कर रहे हैं लेकिन जिस दिन उसको ये अवस्था ये क्षण प्राप्त होता है उसकी चेतना में ये बात आती है कि हम पापों के प्रति वो सजग हो गया है उसे ट्रांसफॉर्म करने की इच्छा से आगे बढ़ता है यानी आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है तो वशिष जी कहते हैं कि ये पहली स्टेज है फर्स्ट स्टेज है पहली स्थिति पहली अवस्था है ये, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसे। दूसरा है विचारना, यानी विचारशील बनना जब वो अपने आत्म स्वरूप और संसार के प्रति सजग होकर उसकी प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है नॉलेज लेने की कोशिश करना शुरू करता है प्रकृति को जानना उसके स्वभाव को जानना और तीसरा है तनुमानसा जब दार्शनिक विचारना के पश्चात उसका मन यानी परसोना व्यक्तित्व उसके ऊपर शनै शनै अप्रभावी होने लगता है ये देखे, तनु तनुमानसा तनु माने होता है क्षीण करना कमजोर होना जब उसका मन जो उसकी व्यक्तित्व है उसके ऊपर अप्रभावी होने लगते हैं, यानी कि वो शासन करने लगता है जो अब तक उसके ऊपर शासन कर रहे थे तो ये थर्ड स्टेज है बहुत उसके ऊपर शासन करने की स्थिति में आना सत्यवाप्ति जब वो अपने भीतर सत्य की अनुभूति करने लगता है वो क्षण है चौथा जब उसके अंदर उस सत्य की परम सत्य की हल्की हल्की कहीं न कहीं अनुभूति आने लगती है कि उसको लगता है कि ये परमानेंट है बाकी सब ट्रांजिटरी है और पांचवी स्टेज है जब व्यक्ति अपनी सभी वासनाओं इच्छाओं से ऊपर उठकर सांसारिक पदार्थों से अलिप्त तो हो जाता है यानी कि अनाशक्त जीवन जीने लगता है ये पांचवी अवस्था है और छठी अवस्था है पदार्थ भावना जब वो स्वयं को परम सत्य जैसा समझने लगता है और संसार मिथ्या प्रतीत होता है और सातवां है अवस्था अब आप इस सब चीजों को जब वो परम सत्य की चैतन्य रहस्य अनुभूत कर लेता है ये अंतिम द्वार है जो निर्वाण के अवर्णनीय क्षेत्र में खुलता है सातवें स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है सातवा स्टेज देखिए जो चारे चार फोर स्टेजेज ऑफ कॉन्शियसनेस हैं आप देखिए वो इससे आप अनुभव करिए जो जागृत चेतना है जो स्वप्न चेतना है जो सुप्त चेतना है यानी कि और चौथी जो तुरिया अवस्था है तो आप देखिए ये सातों चेतनाओं को चारों चेतनाओं को सात भागों में बांट कर रखा है लेकिन बहुत सुंदर वर्गीकरण है विभाजन है तो आप देखें कि हम इस स्टेज के अनुसार अपने आप को जांच भी सकते हैं परख भी सकते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं कि हम अभी मन हमारे ऊपर हावी है कि हम सत्य अनुभूत करने लगे हैं कि नहीं करने लगे हैं वासनाओं इच्छाओं से पूरी तरह नहीं मुक्त हुए हैं क्या हम नहीं सौ परसेंट हुए हैं तो क्या अस्सी परसेंट हो गए हैं क्या नब्बे परसेंट हो गए हैं तो हम तय कर सकते हैं जान सकते हैं जांच सकते हैं बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जांचेगा हम ही जांचेंगे हम ही अपना आकलन कर सकते हैं ये बहुत सुंदर बात ये जो स्केल दी हुई है बड़ी सुंदर है योग वासिस्ट में और अगला सब टॉपिक है लाइफ ऑफ जीवन मुक्ति व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को विगलित कर दिया है डिजॉल्व हो चुका है उसकी पर्सनालिटी दूसरों के लिए उसका जीवन सत्य प्रतीत होता है परंतु वह स्वयं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है वो अपेक्षा दूसरों से यह नहीं करता कि अगला भी उसी स्टेज पर जा चुका होगा अगला व्यक्ति जहां है जिस तरह भी है वो भी सत्य उसको लगता है और सुख उसे नहीं करता, पीड़ा उसे दुख नहीं पहुंचाती पसंद नापसंद का भाव नहीं उठता वस्तुओं में उसकी लिप्सा समाप्त हो चुकी होती है उसका व्यवहार किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता एक आदर्श नागरिक सबका मित्र होता है अब देखिए अगली स्केल है कि व्यक्ति लिबरेट हो चुका है जांच करने की बहुत सुंदर अवस्थाएं बहुत सुंदर बातें ये हम इसके ऊपर रख करके सोपान पर अपने आप को जांच सकते हैं कि कहाँ हैं हम बाहर से व्यस्त अंदर से शांत तथा संतुलित बाहर कितना भी उपद्रव है जीवन में भीतर से वो शांत है जाति वर्ण परंपरा शास्त्र से बाधित नहीं करते परमानंद में अविचलित रूप से स्थित होता है अपने लिए कोई उद्यम नहीं करता सदा प्रसन्न रहता है दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है बच्चों के मध्य बच्चा युवकों के मध्य युवा साहसी के मध्य साहसी दुखियों का दुख बांटने वाला दयाशील क्षमाशील उपलब्धि के लिए कुछ भी शेष नहीं जो भी है परमात्मा का समर्पित अहंकार व्यग्रता तृष्णा उदासी का अंत हो गया मेडिटेटिव स्टेट, स्टेट। उपलब्ध सुखों का परित्याग नहीं करता अगर कोई सुख आया है तेन ते तेने बुंजी था उपलब्ध सुख का परित्याग नहीं करता वो वृद्धावस्था में मृत्यु में निर्धनता में पीड़ा में साम्राज्य में समान सुख अनुभव करता है महा करता है वो साम्राज्य भी उस पर आ गया राजा भी बन गया कहीं का तो वहाँ भी वो मेडिटेटिव स्टेट में है अपने शरीर पर वो राज्य करता है आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण की आपूर्ति करता है सामान्य से उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता सिवाय इसके लिए वो इच्छा विहीन होता है परम कल्याण करता परम आनंददाता जीवन यापन के लिए कोई संघर्ष नहीं करता संसार के रक्षक दूत उसकी रक्षा एवं सहायता करते हैं ये बात आ गई वहाँ पर कि हम मित्र और शत्रु कहीं नहीं होते किसी के हम ही स्वयं अपने शत्रु और मित्र होते हैं इस लिबरेशन की स्टेज पर पहुंचकर व्यक्ति उसके दूत रक्षक दूत उसके साथ काम करते हैं जो एंजल्स हैं जो देव हैं उस सब आते हैं भगवान बुद्ध की कथा पढ़ी होगी जब वो मेडिटेटिव उस मेडिटेशन में थे तो मार की सेना ने आकर के आक्रमण किया था और आंखें बंद किए हुए बैठे रहे और उन्हें मार की सेना विचलित नहीं कर पाई थी निर्वाण फाइनल लिबरेशन एम फ्रॉम दी वर्ल्ड नॉलेज व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है इसलिए प्रकृति का कोई नियम उस पर कार्य नहीं करता है तो क्या होगा वो प्रकृति नियमों का विरोध करता है क्या नहीं दूसरे अर्थों में वो स्वयं प्रकृति के नियमों का साक्षात प्रतिबिंब होता है वो स्वयं अनुशासन बन चुका है, तो उसे पालन करने न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है और इस बात का कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि तो उसके सभी कार्य परम चेतना से प्रेरित हो रहे हैं निर्देशित हो रहे हैं बिना किसी अभिलाषा लिप्तता के उसके कार्य तात्कालिक होते हैं और सभी कर्म बंधनों से मुक्त होता है उसके लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ती सद्या अभी इसी वक्त सब कुछ सामने है स्वार्थ इच्छा से परे है उसके सभी पूर्व कर्म फल निर्जरा हो चुके हैं निर्जर हो चुके हैं उनमें कोई शक्ति रही नहीं गई है और व्यक्तित्व के सभी स्वरूप करुणा के असीम सागर में समा चुके हैं एक बूंद थी जो परम सागर में परम सत्य के सागर में समा गई है जब लाइट आप लाइट ऑफ एशिया पढ़े तो अंत में वो जो बूंद थी वो सागर में करुणा के सागर में समा गई वो स्वयं करुणा का सागर बन चुका है धन्यवाद मित्रों सभी बहनों भाइयों को एक बार पुनः अभिवादन आज का हमारा ये अब समाप्त होता है इसमें कोई कुछ भी जोड़ना घटाना चाहता है वो सादर आमंत्रित है धन्यवाद धन्यवाद शिव कुमार जी आपने बहुत अच्छा वशिष्ठ की शिक्षाओं को राम के वैराग्य के साथ हम लोगों को बताया जो कि और थियफी है देखें अगर तो पूरी टीचिंग थियफी की है और गहराई में जाके है बहुत बहुत धन्यवाद अब अनुरोध करूंगा शिंडे जी हैं हमारे बीच शिंडे जी आप कुछ कहना चाहेंगे जी आर यू हियरिंग मी शिंदे जी Yeah, yeah. Yeah, I can hear you. Uh, please. Uh, am I audible? Yes, yes. Uh -huh. uh, very much thanks for the SK Pandeji. Brother SK Pandeji nicely explained uh, teachings of Vasista, And it is really to become desireless means to become selfless. It is the lower self always desires many things. And when we become selfless, then we begin to really aspire. And that kind of all desires need to be changed into aspiration. That is the aim of the human life. Uh, I think he has explained very nicely. And uh, what we must remember is there is no evolution now. There is no evolution for the human kingdom. So, what is there then? There is, we call it as the unfoldment of consciousness, expansion of consciousness, raising of consciousness to the higher and higher and subtler planes. So, it is nothing but the revolution in our psyche. Desires are in our psyche, and there has to be a revolution in our psyche. And Escape Pandey rightly pointed out. If we look at our desires, and as Vasistha has said, if you look at them, they dissolve, they liberate you. Because they are entangling you, they are uh, pulling you down. So it is essential to know our psychological uh, entanglement. We are in the prison, and we want to liberate we are in the social prison we are in the economic prison in the same manner political and religious prisons we are caught in that and prison who has created it we together all human thoughts all human consciousness together has created it with our own desires that is what to become desireless with our own desires, we have created it. With our own fears, we have created it. With our own pleasures, sensual pleasures, we have created all these kinds of prisons, like social prison, economic, political. So, when we understand this, of course, true understanding, when we understand this in true sense, that understanding itself is enlightenment that understanding itself is enlightenment our thoughts have created it that when we understand our thoughts have created it not only individually created but also the collectively we have created it so when we understand this understanding is very important that's the prison of our confusion, prison of our misery, prison of our suffering. So if we understand how how to understand, and as Vashistra said, observation, just looking at it, without any reactions, without any evaluation also. Otherwise, analytical mind evaluates. And even our Buddhi, also, lower Buddhi, it calculates and uh, it defends. And so, without such evaluation, we must look at it, just seeing how it works, how it, its nature, and what is its mode of operating. Then, out of such observation, at our own psyche, there comes, as Krishnamurti says, strangely revolution that we call freedom. So, Krishnamurti says, don't bother about the freedom, but learn in this hall of learning to see our own prison. So, if we take this lesson, what S.K. Pandey has pointed out, as Vasistha has pointed out, to become desireless. It is really good for to celebrate Deepavoli, which is coming nearer. So, with these words, I congratulate all of you. I enjoyed the talk of uh, Brother S.K. Pandeji. Thank you, thank you, everybody, for listening. थैंक यू शिंदे जी आपने दिवाली का असली अर्थ बताया और पांडे जी ने जो बताया था उसको ही आपने और अच्छे से हमारी जो अपने प्रिजन है उनसे हमको छूटना है सही बात है अब और किसी ने कुछ बताना है या जोड़ना है किसी ने कुछ ऐड करना है कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें हेलो किसी का कोई क्वेश्चन या किसी ने कुछ जोड़ना है ऐड करना है तो बताएं नहीं तो हम मीटिंग को फिर क्लोज करेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन या एडिशन करना नहीं है तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना नेक्स्ट टॉक हमारा होगा डॉक्टर राजीव गुप्ता लेंगे पातांजलि योग सूत्र को आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट सैटरडे छह ग्यारह को छ नवंबर दो हजार एक के समय यही रहेगा साढ़े पांच से साढ़े छह पतांजलि योग सूत्र को आगे बढ़ाएंगे हमारे डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे सेक्रेटरी अभी अगर और किसी ने कुछ ऐड नहीं करना तो हम लोग क्लोज करेंगे करके ओम असतो मद ओम सोम्यो दीर्घमे मृत्योत्मा अमृतंगमे तर्भि भवन्तु सुखिनः तर्भि सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग् भवेत् John, John.